वेलकम टू माय चैनल आज का वीडियो किस टॉपिक पे है वो तो आपने देखा ही होगा टाइटल में जी हाँ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ में मेरा नया वैक्यूम क्लीनर तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर था लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने उसको स्विच कर दिया मेरे पास जो तो वैक्यूम क्लीनर था उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो वायर्ड था तो वायर्ड होने से प्रॉब्लम क्या आती थी कि जहां पे भी मैं क्लीनिंग करूँ वहां पे उसके वायर टाइंगल होते रहते थे हर जगह हमारे पास प्लग पॉइंट नहीं होता अब जरूरी नहीं है हमें जहाँ पे सफाई करनी है वहाँ पे प्लग पॉइंट अवेलेबल हो तो प्लग पॉइंट ढूंढना एक अलग टाइप का ही मशक्कत हो जाती थी दूसरा रीजन था नॉइज तो अभी वर्क फ्रॉम होम में हस्बैंड तो घर से काम करते हैं दिन भर मीटिंग चलती रहती है ऐसे में मेरा पुराना वैक्यूम क्लीनर इतनी ज्यादा नॉइज करता था कि जब इनका मीटिंग चल रहा हो मैं क्लीनिंग कर ही नहीं सकती तीसरी प्रॉब्लम थी स्पेस की क्योंकि मेरा पुराना वैक्यूम क्लीनर काफी बड़े साइज का था और उसको स्टोर रखने के लिए मैंने एक कैबिनेट डेडिकेट कर रखा था तो कैबिनेट भी ऑफ्यूपाई हो रहा था उतने बड़े वैक्यूम क्लीनर को उठाना हर जगह लेके जाना वो भी एक प्रॉब्लम कर रहा था और चौथी वजह थी अटैचमेंट्स की तो उसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स नहीं थे बहुत ही बेसिक अटैचमेंट्स थे लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम थी कि मेरा वैक्यूम क्लीनर बैगलेस नहीं था इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही मैंने अपना पुराना वैक्यूम क्लीनर को कर दिया रिप्लेस और मैं ले आई हूं डाय वी इलेवन एप्सल्यूट प्रो और मैं इसे कितनी ज्यादा खुश हूँ वो आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे 15 डेज से मैं इसे यूज कर रही हूँ बहुत ज्यादा ही सैटिस्फाइड हूँ तो इस वीडियो में चलिए फटाफट मैं आपके साथ में थोड़ा सा इसका डेमो शेयर करती हूँ ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं सब मैं फटाफट बताऊंगी इस वीडियो में ताकि अगर आपको भी लेना हो तो क्लैरिटी आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं क्लिप उस दिन की है जिस दिन ये पैकेज डिलीवर हुआ था तो कुछ इस तरीके से अच्छे से बॉक्स में पैक होकर के ही आया था मॉडल का नाम है डायसन V11 एलेवन प्रो ये डायसन का मोस्ट पावरफुल और इंटेलिजेंट वैक्यूम क्लीनर है जो सेंस और अडेप्ट करता है ऑप्टिमम क्लीनिंग हर टाइप के फ्लोर पे इसकी एम है फ़िफ्टी पर डायसन के वेबसाइट पर यह आपको अभी मिल रही है फ़िफ्टी की तो यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा और वो ये है कि सोना आजकल तो मार्केट में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर भी आ चुके हैं उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता आराम से बैठेंगे घर वो पूरा साफ कर देगा तो फिर हम यहां पे डायसन में क्यों इन्वेस्ट करें यहां पे हमें खुद से सफाई करनी पड़ेगी करेक्ट तो मैं बताती हूं कि उस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोर क्लीन कर सकता है आपका और उसमें भी जो हार्ड टू रीच एरियाज होते हैं चाहे वो सोफा के पीछे वाले एरियाज हो या जो भी हमारे घर में कोने बनते हैं वहां पे भी वो नहीं जा सकता अगर आपका सोफा जो है वो लो लाइंग सोफा है काफी तो सोफा के अंदर भी जा नहीं सकता बेड के अंदर नहीं जा सकता तो इन शॉर्ट जो वो है काफी रेस्ट्रिक्टेड है तो आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो हंड्रेड परसेंट क्लीनिंग आपकी नहीं हो रही है बहुत ही लिमिटेड एरियाज में ही वो घर को क्लीन कर सकता है और छोटे घर में तो बड़ा ही दिक्कत होता है हर जगह फर्नीचर्स रहती है फर्नीचर्स टकराता रहता है वो बिल्कुल सही नहीं रहता जहाँ की डायसन अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आप जमीन क्लीन कर सकते हो, होलिंग पंखे शैंडलियर सोफा मैट्रेस कार का सीट कर सकते हो मतलब हर कुछ कारपेट वगैरह सब कुछ आप क्लीन कर सकते हो तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपको पता है कि आपके पास एक पावरफुल बीस्ट है जिसको भले ही आपको खुद से सफाई करनी हो पर मेहनत बहुत ही ज्यादा कम लगती है क्योंकि बहुत पावरफुल मशीन है डाइसन वी इलेवन वैक्यूम क्लीनर के साथ में आपको मिलता है एक एल स्क्रीन इसके वैक्यूम हेड पे जिसकी मदद से आप अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं इको मोड है लाइट क्लीनिंग के लिए इस मोड से आप ऐसे सरफेस को क्लीन कर सकते हैं जिसे ज्यादा पावर या सक्शन की जरूरत नहीं है इस मोड पे आप वैक्यूम को 60 टू 80 मिनट तक रन कर सकते सकते हैं मीडियम मोड डीप क्लीन करता है अलग अलग तरह के फ्लोर टाइप्स को विद बैलेंस सक्शन पावर इसका रन टाइम है 40 मिनट्स के लगभग बूस्ट मोड पे आप 10 मिनट्स तक सुपर पावरफुल इंटेंसिव क्लीनिंग कर सकते हैं इस एल स्क्रीन की मदद से आप चार्जिंग लेवल चेक कर सकते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैक्यूम हेड है उस पर सारे ही अटैचमेंट्स बड़े ही ईजिली फिट हो जाते हैं इसमें मिलता है क्लिक इन बैटरी जो कि चार्जेबल रिमूवेबल और रिप्लेसेबल है और वो भी सिर्फ एक बटन के क्लिक से अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए तो वो भी आप अलग से परचेस कर सकते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए आपको बस मशीन को चार्जिंग डॉक पे प्लेस करना है डॉकिंग स्टेशन आप ऐसी जगह स्क्रू करवाइए जहां पे प्लग पॉइंट हो पर अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो सेपरेटली भी आप इसे किसी भी प्लग पॉइंट पे चार्ज कर सकते हैं एक बहुत ही यूजफुल फीचर है इसका पॉइंट एंड शूट हाइजीनिक बिन एमटिंग पॉइंट एंड शूट मैकेनिज्म की मदद से हम डस्ट डेब्रीज को डायरेक्टली बिन में इजेक्ट कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के साथ में कौन कौन से अटैचमेंट्स आए हैं इसे असेंबल करने के लिए वैक्यूम हेड पे आपको अटैचमेंट्स को लगाना होता है ये वैक्यूम हेड के मल्टी स्टेजेस फिल्ट्रेशन की मदद से डस्ट पॉलेंस और एलर्जेंस ईजिली इसमें कैप्चर हो जाते हैं अटैचमेंट्स को लगाते वक्त क्लिक की आवाज़ आएगी तो समझ जाइए अटैचमेंट सही से लग गया पहला अटैचमेंट है ये सॉफ्ट क्लीनर हेड जो बना है सिर्फ हार्ड फ्लोर के लिए इसे आप तब यूज कीजिए जब आपको क्लीनिंग सॉफ्ट सरफेस पे शिफ्ट नहीं करना नेक्स्ट है ये निकल टॉर्क ड्राइव क्लीनिंग हेड ये फ्लोर क्लीनिंग के काम आता है इसे आप हार्ड फ्लोर सरफेस भी क्लीन कर सकते हैं इसे यूज आप ऑटो मोड पे करिए फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग इससे ये ऑटोमेटिकली सक्शन चेंज करता रहेगा बेस्ड ऑन सरफेस मिनी टूल से आप सोफा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री कार सीट वगैरह क्लीन कर सकते हैं इसे यूज करते वक्त आप वैक्यूम क्लीनर को हैंड हेल्ड की तरह यूज कर सकते हैं जिससे कि क्लीनिंग बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती है कॉम्बिनेशन टूल को आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं इसे आप फर्नीचर कार सोफा वॉल सरफेस क्लीन कर सकते हैं सॉफ्ट जिसकी वजह से सकते हैं जो डेलिकेट हैं, इससे वो क्लीन इजली हो जाते हैं और कोई स्क्रैच या डैमेज आने का डर भी नहीं रहता एक्सटेंशन से आप कोई भी आर्टिफैक्ट हाइटेड एक्सेट्रा साफ कर सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाती है ये वाला टूल स्पेशली मैट्रेस के लिए बना है इससे आप कोई भी मैट्रेस को ईजिली क्लीन कर सकते हैं चाहे बारीक बाल हो उसमें या फिर धूल के कन हो सब इसमें अच्छे से शक हो जाता है ये टूल से आप सोफे के बीच में या कोई भी ऐसे कोने को साफ कर सकते हैं जहां पर पहुंचना वैसे मुश्किल होता है नेक्स्ट है ये अपटॉप एडेप्टर जो कि बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है इसकी मदद से हाइट वाले शेल्फ पे वॉल डेकोर पे फैन कर्टन रॉड लाइट फिक्सर क्लीन करना इजी हो जाता है

क्लियर हो गया हो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ फिफ्टीन डेज से मैंने घर के काफी चीजों को साफ कर दिया है तो जरूर अगर आप सोच रहे हैं लेने का वैक्यूम क्लीनर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा प्राइस मैं बोलूंगी जरूर हाई है तो अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो जरूर इसमें इन्वेस्ट करिए एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे फिर आपको रियलाइज होगा की हर एक पैसा वर्थ है तो चेक कर लीजिए डायसन वेबसाइट को लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाके आप प्राइस फीचर सब कुछ चेक कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो मैं मिलूंगी आपसे अगली बार तब तक, तक आप लोग अपना ख्याल रखिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए मेरी तरफ से 100% परसेंट मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको आंख बंद करके आप इस ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं आने वाले ब्लॉग्स में आप मुझे इसे कई बार यूज करते तो देखोगे ही चलिए मिलती हूँ अगली बार बाय